सब कुछ सही है ना? आ जाओ जल्दी से सभी लोग। आपका लाइव सेशन शुरू हो चुका है। इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया लाइव का कि नहीं मिला, पहले ये बताओ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों को लाइव का जो है इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से नहीं मिलता है। जिनको जिनको मिला है जल्दी से कमेंट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमें तो लग रहा है कि मिला हुआ है जी। नोटिफिकेशन दिया यूट्यूब ने ना? शिव कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आ गए आप। ठीक है, तो ये बताइए नोटिफिकेशन दिया यूट्यूब ने ना? बिल्कुल सभी को नोटिफिकेशन दिया यूट्यूब ने, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए, जिस लोगों को शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे तो यूट्यूब हो जाता है नाराज, अगर शेयर नहीं होता है तो यूट्यूब नाराज नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज का ये सिलसिला। आप लोगों की संख्या बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका आपके अपने PVR स्टडी में। बिल्कुल फ्री की क्लास है, टेंशन मत लीजिएगा, सभी के लिए है। लेकिन जो लोग रेगुलर देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशल क्लास, वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर लें। आगे चलते हैं, फ्री क्लास आपकी आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी 9:30 बजे भी लाइव हुई थी लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाई थी, जिसका हमें खेद है ना? 9:30 बजे भी लाइव हुआ था लेकिन उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाया था कि लाइव चल रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो टॉपिक शामिल करेंगे वो 4 सेमेस्टर के लिए होगा, उसके बाद और लोगों के लिए। बताइए किस सेमेस्टर का चाहिए आप लोगों को? सभी लोग लाइक करेंगे, देर ना करें। देखिए, संख्या आप लोगों की लगभग जुड़ चुकी है और 2 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो 2 मिनट की हो चुकी है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइम ना बिताते हुए, सेकेंड सेमेस्टर की मैथ में कैसे पास होंगे? शिव कुमार वर्मा जी, बिल्कुल आप पास होंगे। तो अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? शिव कुमार हैं, आयशा सफी, तनु आर्या और वंश कौशल जी जुड़ चुके हैं। चलो ठीक है, पहले हम लोग शामिल करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब जानते हो ना, घनमूल। तो ये बताओ, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग फटाफट, 343 का घनमूल क्या होगा? देखते हैं कौन बहुत फास्ट बताता है। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 3, तीसरा 9। प्रिया पटेल जी, सेकंड सेमेस्टर का, और किस सेमेस्टर का चाहते हो आप लोग? जल्दी से बताइए कौन किस सेमेस्टर का मैथ चाहता है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरा होगी अगर आप लोग हमारी बात को समझोगे तब। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, बेल आइकन को नहीं ऑन करोगे, क्लास सेशन को लाइक नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। शैलेश सिंह चौथे सेमेस्टर का चाहते हैं, बाकी दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और कुल मिला के आप लोग हर एक सेमेस्टर का चाहते हो, बस यही कहना है ना? सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हो चुकी है। अजय कुमार यादव जी, हमारा नाम है राजकुमार यादव। आगे चलें, शेख अबू तैयब सऊदी अरब अरबिया रियाद जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, बड़ा लंबा नाम है, कहाँ से पाया आपने इसको? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसका घनमूल हमें निकालना है, तो पहले हम इसका एकदम बेसिक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए 343 का आप वर्गमूल कैसे करोगे? सबसे पहले आपको इसको काटना है, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से काटोगे, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 6, 7 नवाई 63। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कैसे आ गया। देखिए, क्लास छोड़ के ना जाइएगा, अभी और टॉपिक भी ले चलेंगे आगे। इसको 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, घटाओगे 6, 3, 7 नवाई 63। ये देखो 49 आया ना, तो यहाँ पे ये इसलिए 49 आया था, इसलिए यहाँ पे 49 आया। 7 से फिर इसको भाग दोगे, 7 1, 7 7 49 7 343 है ना? समझ में आया ना? 343 ऐसे ही आया था।
घनमूल में तीन तीन का आप जोड़ा बनाते हो, पेयर बनाते हो, तो एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक सात बाहर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये फोर्थ सेमेस्टर का है, ठीक है अजय जी? बिल्कुल, आप टीटी में पास होंगे, टीटी की भी क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मात्र 25% लोगों ने क्लास को लाइक किया, 75% लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो देर मत करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अन्यथा टाइम बर्बाद होगा तो हमारी गारंटी नहीं है, ठीक ना? समय अगर आप लोग बर्बाद करोगे तो फिर आप ही जिम्मेदार होगे, हम बार बार बोलते रहेंगे और आप लोग करोगे नहीं तो आपका टाइम जाएगा। तो कहते हैं ना, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना आप लोग और हम लोग कोई भी हो, हर कोई दिक्कत में हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? अच्छा आप लोग ये बताइए जी, बिल्कुल गौरी शंकर जी, डेली क्लास होती है, अगर आप नए नए जुड़े हो तो जान लो हर दिन ये क्लास होती है, लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको हो सकता है डेली ना मिल पाए, तो डेली अगर आपको देखना है तो आपको ज्वाइन करना होता है, बस ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत भारी भरकम पेमेंट नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा एकदम नाम मात्र का, और वो भी आपका योगदान बहुत सराहनीय होता है इस क्लास के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलें, मैथ से डर नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अजय यादव जी, शिल्पी ने नहीं लाइक किया, मतलब आपको कैसे पता? कार्तिक जी, पेमेंट ऑप्शन बहुत सारा है, फोन पे, गूगल पे, अकाउंट में, बैंक, CSC, बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिलहाल इसको हम बाद में बात करेंगे, क्लास खत्म होने लगेगी तो 5 मिनट में आपको बताएंगे, देखते रहिए, लास्ट में सब बताएंगे। अगला सवाल एक बताओ, √2 × √2 का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ? 4 आएगा, √4 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर बी और सी दोनों सही है, जल्दी से बताओ कितना आएगा? शैलेश सिंह, निशि रिजवी, कार्तिक कुमार, जवाब दीजिए, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, समझ में आने की गारंटी होगी, बस आप बने रहिएगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल आज से आप ये डर भूल जाइए, मैथ आसान है, आसान है, आसान है, मैथ आसान है, बहुत आसान है। आपने आते ही लाइक किया, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग किसी का नाम लेके कमेंट ना करें, ठीक ना? आगे चलें, आपको कैसे पता कि कोई किया या नहीं किया? आपको तो नहीं मालूम होगा ना, हमें पता है कौन किया कौन नहीं किया, तो कृपा करके आप किसी का मजाक मत उड़ाइए, आगे चलें। देखिए अगर आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 का 2 में मल्टीपल करोगे तो ये 4 आएगा, और ये वर्गमूल में ही हो जाएगा, तो √4 भी इसका आंसर हो सकता है और इसका आंसर 2 भी हो सकता है, मतलब दोनों सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा पता है? आपका ये दोनों ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है ना? चाहे तो आप √4 बताओ या फिर 2 बताओ, दोनों सही है। क्यों जी? एक बात आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर 2 बार वर्गमूल करोगे तो वही संख्या उसका उत्तर आता है। जैसे एक सवाल और बता दो जल्दी से, देखिए ये 4 सेमेस्टर पर फोकस होगी क्लास, और बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, ये मत सोचिएगा कि हम सेकंड सेमेस्टर में हैं तो हम इसको काहे पढ़ें, अपच नहीं होगी इसको पढ़ने से, ठीक ना? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए है। तो अगला सवाल नंबर हम 4 लिख दे रहे हैं इसमें, ये बताओ आप लोग, 71 का अगर 71 से मल्टीपल करो तो क्या आएगा, 71 आएगा, 1 आएगा, या 499 आएगा, या फिर नान ऑफ दी जाएगा? देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा है, जल्दी से बताओ, तुरंत बोलिए कितना आएगा, पहले जो हो रहा है उसको सुनो, बाद में सब कुछ बताएंगे। अनुष्का शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि मेरा रैंक जी, देखिए शुक्ला जी माफ़ी चाहते हैं आपसे, पहले जो चल रहा है उसको देखिए। सचिन गुप्ता जी का 7 आया है, पंकज कुमार का उत्तर आ चुका है, और शिव कुमार वर्मा का भी आ गया, ठीक है, लगभग सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। देखो भाई, किसी भी संख्या को एक बात याद रखिए, सवाल जाए छोड़ दीजिए, इसको मत करिए, सुनिए, कोई भी संख्या अगर सेम संख्या है
दो बार वर्गमूल लगाया और गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर वही संख्या आती है, बस। ठीक, तो ये अंडर रूट में है, इसको दो बार गुणा करेंगे 71 आएगा। अगर जैसे अंडर रूट आप 499 का गुणा करोगे, अंडर रूट 499 में, तो इसका उत्तर है 499। आपको कुछ करना ही नहीं, केवल डायरेक्ट उत्तर लिखना है बस। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर अंडर रूट 31 का गुणा करोगे अंडर रूट 31 में, तो इसका उत्तर 31 आएगा बस। समझ गए ना? देखिए अनुष्का जी, कॉल हम रिसीव नहीं करते हैं, कॉल रिसीव करने वाले बहुत से लोग हैं, तो कोई भी कॉल रिसीव कर सकता है, लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो कोई नहीं रिसीव करता है। क्योंकि आपको बता दें कि आपके सभी चैनल पर मिला करके जो आप लोगों की संख्या है वो कई लाख है, मतलब 1 लाख लगभग इस पर है, बाकी 2-4 हज़ार, 8 हज़ार और भी चैनल में हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास संख्या है, जो कि बहुत सारे कॉल आते हैं डेली, तो सभी का कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं होता है। और आपको बता दें एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए अलग से क्लास होता है, और ये जो आपने रैंक वगैरह बताया ना, ये कौन से चीज़ के लिए है मुझे मालूम नहीं है, आप क्या बात कर रही हैं? तो देखिए ये जो रैंक आप बता रही, कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटी की है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों को हम बताते हैं वो एयू के बारे में बताते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, बाकी हमें और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये आपका जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो है नहीं, है ना? अच्छा हाँ जी, आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, तो डीएलएड वाले की इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको नहीं देते हैं, फिलहाल हमारे पास नहीं उपलब्ध है, हम आपको पता करके बताएंगे। हाँ तो ठीक है, कुछ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक चिन्ह वाली काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चिन्ह वाली काफ़ी एक दिक्कत होती है आप लोगों को, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगर ये अंडर रूट में है, 4 है, और इसमें अंडर रूट में क्या है, -4 है, तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? लगभग लोगों को आता है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो क्या है कि इसका उत्तर -4 आएगा कि +4 आएगा, क्योंकि इसमें अंदर में माइनस लगा है। जल्दी से बताओ कितना आएगा, तुरंत बताइए, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? हाँ, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ देखिए, जो सबसे बाद में लगभग उत्तर आ रहा है रंजीत जी का, और सनी मधेसिया, पंकज कुमार, लगभग इन लोग का सही लग रहा है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसका मल्टीपल अगर आप कर लो सीधा सीधा, तो माइनस में 16 आएगा, है ना? माइनस में 16 आएगा। अगर इसका वर्गमूल करोगे तो क्या होगा, प्लस ना हो जाएगा? वर्गमूल तो किसी भी संख्या का प्लस माइनस आता है, तो क्या होगा, अंडर रूट में जाने के बाद माइनस वाइनस सब खत्म हो जाता है, उत्तर प्लस में आता है। कोई कंफ्यूजन होगी तो बता दीजिएगा, ठीक ना? तो हमने इसको इसीलिए बताया, अगर सिंपल नंबर का आपको मल्टीपल करना हो, 4 का 4 में करोगे तो ये -16 आएगा, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वर्गमूल लगा है, तो अगर वर्गमूल लगा है तो क्या होगा, अगर वर्गमूल लगा है तो किसी भी माइनस संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो उसका उत्तर प्लस में हो जाता है। आगे चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया इस क्लास को ना, तो सब्सक्राइब करके पहले तो बेल आइकन को ऑन करिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना? आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक होगा समलंब का क्षेत्रफल भी है इसमें, फोर्थ में त्रिकोणमिति में बहुत कुछ है, तो क्यों ना त्रिकोणमिति को हम लोग आगे ले चलते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, है ना? अब प्लस में होगा तो प्लस ही होगा जी। तो ये बताओ आप लोग, सवाल नंबर यहाँ 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, sin 30 डिग्री का मान किसको किसको आता है? 3/2, अंडर रूट 1/2, √3/2, 1/2। देखते हैं त्रिकोणमिति किसको किसको आता है, डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में है ये, जल्दी से बताओ।
जी कार्तिक कुमार, निसी रिजवी, देखो काफी लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग ऑप्शन के साथ में बताइए फटाफट, देर मत करिए, जल्दी बताइए। LBS ABC, पंकज कुमार। हाँ जी जल्दी से सभी लोग बताओ फटाफट, बताते रहो जल्दी जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हो अजय जी, लेकिन अभी आप पहले इसको देखते रहो जो हो रहा है, मिलना बाद में, पढ़ा लूँ तब आइएगा। देखिए इसमें लगभग लोगों का उत्तर आ चुका है, इसका राइट आंसर होगा 1/2। इसको हमने आप लोगों को करवाया था, याद करने का तरीका बताया था, कैसे आप लोग इसको समझोगे, रटना नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ रटने से नहीं याद होता है, ठीक ना। 1/2 होगा इसको, हम आपको 60 में तरीका बता दें कैसे इन मानों को निकालते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए इधर, तो यहाँ पर आप गौर करिएगा इन मानों को कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसानी से देखिएगा। साइन 0, 30, 45, 60 और 90, आपको रटना नहीं पड़ेगा, भागिएगा मत, पूरा देखिएगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो बस 1 मिनट, पहले आपको नंबरिंग करना है 0 से लेकर के, ये नंबरिंग हो गया पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में इसमें सभी को 4 से भाग कर देना है, ठीक ना। तीसरा स्टेप में इनको हल कर लेना है, हल करोगे ये फाइनल में सब कुछ करके तो 0 आ जाएगा, ये यही रहेगा जो भी है, 1/2 हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा। देखो एक बार में सारा उत्तर आ जाएगा भाई, बहुत सारे उत्तर आएंगे इसमें, लास्ट में आपको सभी का वर्गमूल कर देना है, बस 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का 2 1, देखो एक बार में कितना उत्तर आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, है ना। कितना आसान तरीका, कुछ भी नहीं रटना आपको, बस समझना है, पहले नंबरिंग करना है 0 से 4 तक, फिर 4 से भाग दे देना है, फिर वर्गमूल कर देना है, 3 स्टेप, पहले में नंबरिंग करो, दूसरे में 4 से डिवाइड करो, तीसरे में सभी का रूट निकाल दो, बस एक बार में देखिए साइन के सभी मान आके फट पड़े अपने आप, आ गए ना। ऐसे आप कॉस को भी कर सकते हो, ठीक ना। कॉस के लिए आपको उल्टा नंबरिंग करना है, इधर से 4 लिखना है, इधर 3, इधर 2, इधर 1, उधर 0, तरीका वही लगाना है, कॉस का भी आ जाएगा, अगर आप साइन कॉस निकाल लोगे तो सब आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए 120 वाले के लिए जो आप बता रहे ना, देखिए कांटेक्ट नंबर अनुष्का जी, हम अपना नंबर आपको नहीं दे सकते किसी को भी यहाँ पर, उसके लिए माफी चाहते हैं, जो नंबर आपको दिया गया है ऑफिशियल नंबर ये ऊपर दिया गया, उस नंबर को आप नोट करके रखिए और इसी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए है, क्योंकि हम भी इंसान ही है भाई, तो कुछ चीज तो रहने दो सीक्रेट ना, ये नंबर जो दिया गया आप लोग इसी को नोट कर लीजिए, ये सभी के लिए है। आगे चलें, देखिए